हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक अप वर्ल्ड। सांग मैंने आम चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। आशा करूँ कि बहुत बढ़िया से थे और पढ़ापढ़ी एकदम भल से चली थी आपंकर। तो आमर जो आपंकर जो पुलिस सिविल कनेस्टेबल जो जीके सीरीज स्टार्ट करते आम जो एवं ओडिशा जीके स्टार्ट करूँ, तो आज आम जनरल अवेयरनेस ऑफ ओडिशा देखा। तो यहाँ आम मुझे पार्ट वन पार्ट टू में दुईटा ही कम्प्लीट करदेवी। तो या पूर्व आम आर्ट एंड कल्चर ओडिशा देखी, तापर आम आपंकर हिस्ट्री आप जियोग्राफिकल जो सिग्निफिकेन्स भी देखापी जा ओडिशार। ओके, तो आपको कही रखे आप गोटे खुशी खबर रही कि आपंकर पीओ रपर सर्ट नोट आसी जाइए एवं पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपंकर ह्यूज नंबर वैकेंसी आसीबार अच्छे, तो सेटा आपंकर 24 फेब्रुआरी अप्लाई स्टार्ट हो। ठीक अच्छे, तो आपण बहुत बड़ खुशी खबर 2023 रो सबुठ हाइस्ट वैकेंसी आपंकर पीओ नहीं आस। तो जो मैंने भी आपंकर पीओ भी आपंकर प्रिपेयर करने चाहूँ, तो आम चैनल सहित सब जोड़ी रुंतु आपको डेडिकेटली पीओ आमर क्लासेस सब स्टार्ट हो। ठीक अच्छे, तो एबे भी जो आम जनरल अवेयरनेस आम पढ़ुचे, तो यहाँ भी पीओ इंपोर्टेंट कौन पर आपंकर एथिरु क्वेश्चन डायरेक्ट भी देखा मिलियो ओडिशा जीके सेक्शन रे। ओके, तो चलंतु समस्ते आपंकर जो होमवर्क क्वेश्चन टा देथिले तो तारु स्टार्ट करिबा। मु आपनको जो यस्टरडे होमवर्क क्वेश्चन देथिले जे आपंकर निर्मत मध्यरु कोटी कोउ जो ना आपंकर ओडिशा आपन ओडिसी डांसर नुहंती, तो करेक्ट आंसर कोन हो संग माने, तो ऑप्शन डी थिला जो बिरजू महाराज। ठीक अछि, तो बिरजू महाराज तो करेक्ट आंसर कोन हो संग माने, बिरजू महाराज यार आपंकर करेन्ट आंसर बहुत जन सांग कमेंट सेक्शन में देते। ओके, आज होमवर्क क्वेश्चन स्टार्ट करवा। तो एक नंबर क्वेश्चन टे आपंकर कौन रही देखिबा, एक नंबर क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग बेंगलीज हेड द जो डब्ल्यूएस डेस्टिनेशन बीइंग ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक ओडिया एक जो आपंकर जो बुकटा था कंट्रोवर्सी बुकटा जो ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नई। ठीक अच्छे, तो बंगाली बेंगली आपंकर पोएटा था बेंगली रे जे उड़िया एक स्वतंत्र भाषा नुए, तो एटा कहाँ द्वारा जो बुकटा आपंकर पब्लीश होता ना, ऑप्शन सी देखो कांतिलाल भट्टाचार्य। ठीक अच्छे, कांतिलाल भट्टाचार्य आपंकर बहुत बड़ गोटे कंट्रोवर्सी बुक आपंकर रचयिता थी जहाँकि से कही से बुक मध्यम जो ओडिशा एक स्वतंत्र भाषा नुहे, तो कहार मान है से। तो ठीक अच्छे, तो ऑप्शन ए रेन्सा कौन हम कांतिलाल भट्टाचार्य। आप दुई नंबर देखिए हु एमंग द जो इंग्लिश मैन वाज इंस्ट्रुमेंटल कंस्ट्रक्टर ऑफ द महात्मा गांधी जो सॉरी आप जो महानदी डिविजनल कैनाल जो आम कंस्ट्रक्ट होता के 1863 रे। ठीक अच्छे, तो महानद जो डिविजनल कैनाल आप कंस्ट्रक्ट होता तो सर आप के ना आपंकर जो 1863 रु 1864 मसीह होता है, एवं एपंकर जो महानद डिजनाल जो हीराकूद जानते हीराकूद डैम या अंडर आपंकर हीराकूद डैम को कंस्ट्रक्ट कराइला। ओके, तो हीराकूद डैम जो कंस्ट्रक्ट कराइला तार आपंकर कौ इंग्लीश मैन जहाँकि आपंकर ऑथराइज करते कि सहयोग करते ना सार ऑथर कॉटन, ऑप्शन सी देखो सार ऑथर कॉटन यार करेक्ट आंसर हो। तो हीराकूद डैम जो महानदी नदी रही है महानदी, तो जो हीराकूद डैम आपंकर इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर आप जानते हैं इंडिया सॉरी लॉन्गेस्ट जो डैमटा। ठीक अच्छे, यार लेंथ के एभव 25 किलोमीटर 25.6 किलोमीटर आप्रक्स हो। आपंकर हाइएस्ट डैम कौटा आमर इंडिया हाइएस्ट डैम कौन ना तेहरी डैम। ठीक अच्छे, ये तो आप लॉन्गेस्ट है तेहरी डैम आप इंडिया हाइएस्ट डैम जहाँकि आप जो उत्तराखंड उत्तराखंड रही है और भागीरथी नदी में यहाँ आपंकर निर्मित हो भागीरथी। ओके ठीक है सांग मैंने, तो चलां तीन नंबर क्वेश्चन देखा। तीन नंबर क्वेश्चन कौन कह ए जायंट इमेज जो बुद्धास्थी पद्मपाणी। ठीक अच्छे, जो बुद्धस्तर पद जो पाद पद्म एक विशाल छवि रही, तो सेटा आपंकर कौ जिले में देखा मिले, तो करेक्ट आंसर कौन हो सांग मैंने, तीन नंबर जाजपुर। ठीक अच्छे, तो जाजपुर आपंकर देखा मिले जो बुद्धस्तर पाद पद्म। ठीक अच्छे, ओके चार नंबर देखिए हु हैड द अपॉर्चुनिटी टू इनॉग्रेट द वर्ल्ड फेमस धर्म धर्म विहार एट धौली। आपंकर वर्ल्ड फेमस जो धौली रे धर्म विश्व प्रसिद्ध विहार को आपंकर उद्घाटन करने को किए सुजोग पाई, तो करेक्ट आंसर कौन हम सांग चार नंबर देखिए ऑप्शन बी श्री विश्वनाथ दास। श्री विश्वनाथ दास जी कि आपंकर या इनॉग्रेट करते कौटा ना जो विश्व प्रसिद्ध धर्म विहार को ओडिशा रे। ओके चलंतु पांच नंबर देखिए द पीस पगोडा एट धौली वाज इनॉग्रेटेड बाय। आपंकर पीस पगोडा क्या कहते आप जानते सांग धौली को कहते धौली इज नोन एज द पीस पगोडा ऑफ ओडिशा।
पीस पागुड़ा आपंकर कहाँ द्वारा इनॉग्रेट कर तो करेन्ट सर कौन हम सांग मैंने जस्टिस गृतिकृष्ण मिश्र ऑप्शन सी आई रिपीट ज्योति जस्टिस गृतिकृष्ण मिश्र 1971 यहाँ को इनॉग्रेट करते बाय द जस्टिस गृतिकृष्ण मिश्र छः नंबर देखिए हु एमंग द फॉलोइंग हैड द डेस्टिनेशन बीइंग द रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस जयदेव अवार्ड प्रेस्टिजियस जयदेव अवार्ड जो फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन द ओडिशा सिनेमा जो आम ओडिया सिनेमा रे प्रेस्टिजियस जो जस्ट फास्ट रिसिपिएंट प्रथम रिसिपिएंट किए थे जयदेव अवार्ड तो सांग मैंने करेन्स कौन हम छः नंबर ऑप्शन सी धीरा विश्वाल ऑप्शन सी धीरा विश्वाल जो प्रेस्टिजियस जयदेव अवार्ड प्रथम रेसीपिएंट थे फास्ट रेसीपिएंट ऑप्शन सी देखिए जयदेव सॉरी धीरा विश्वाल सात नंबर देखिए कौन कही हुई ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच आपंकर तीनटा आप करेक्टली मैच अच्छी आपंकर इंस्टीट्यूशन और तार एस्टाब्लीश इयर दे तो देखिए एस्टाब्लीश उत्कल यूनिवर्सिटी आप 1943 रहा ठीक अच्छे एस सी मेडिकल कॉलेज भी आपंकर 1944 मसीहा ठीक तार गोटे वर्ष पर आपंकर उत्कल यूनिवर्सिटी पर आपंकर एस सी मेडिकल भी आपंकर एस्टाब्लीश होता पारादीप पोर्ट जो रही है आम मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा इनफैक्ट आपंकर कोस्टल इंडिया जो मेजर पोर्ट जो पारादीप पोर्ट रही सी भी आपंकर 1966 सक्सेसफुली आपंकर एस्टाब्लीश होता जो आम जगन्नाथ सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी रही पुरी रे आपण कौट रही जगन्नाथ सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी पुरी आपंकर पूरा नियरेस्ट पुरी सी बीच रे ही एटा आपंकर रही तो आपंकर सेटा आपंकर 1971 एस्टाब्लीश हो नथिला सेटा आपंकर होइतिला 1981 रे ठीक अच्छे तो केबे सांग होइतिला आपंकर जो सांस्कृत आप जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जोटा आप पुरी रे रही ऑप्शन डी या कर हो जो सेटा आपंकर 1971 नुहे 1981 रे होइतिला ओके तो चलो आठ नंबर देखिए द ओरिजिनल नेम ऑफ द संत चैतन्य आपंकर चैतन्य ओरिजिनल नाम कौन तो चैतन्य आपंकर कौटिकाल बेसिकाली आपंकर बिलंगस करते ना चैतन्य आपंकर बर्न होते जो जो नगदीप कहते ठीक अच्छे नगदीप आप जानते नगदीप नगदीप कौटी ना आपंकर जो प्रेजेंट वेस्ट बेंगल रही नगदीप अप्रोक्स 1400 AD रे आप जन्मग्रहण करते जे कि आपंकर कहते श्री चैतन्य आपंकर आपंकर जो जगन्नाथ गोटे जमी कहते कौन जगन्नाथ प्रमिनेंट थे कि जगन्नाथ को बहुत से फॉलो करते से उड़ीसा को आसी पुरी रे एस्टाब्लीश बंदे होते ओके तो ओरिजिनल नाम कौन थी तो आठ नंबर करेन्सर कौन हम सांग विश्वम्बर ता करेन्सर कौन हम विश्वम्बर मोस्ट प्रमिनेंट आपंकर जमी स्कॉलर थे सांत आपंकर चैतन्य तो मन रखिए आपंकर ओरिजिनल नाम कौन थी विश्वम्बर नौ नंबर देखिए भागवत गीता इज ए मास्टरपीस ऑफ ओडिया लिटरेचर वाज रिड ऑथर बाय आपंकर जो भागवत गीता को ओडिया रे किए लिखी थे तो करेन्ट सर कौन सांग भागवत गीता तो भागवत गीता को आपण समस्त जानते पंडित भागवत गीता तो भागवत गीता को आपंकर पंडित नीलकंठ दास विश्वम्बर दास गंगाधर एवं फकीरमोहन तो भागवत गीता को लिखी थे पंडित नीलकंठ दास ओडिया रे लिखी थे किए भागवत गीता को पंडित नीलकंठ दास ये देखते आप फकीरमोहन सेनापति टाइटल बहुत पचारे फकीरमोहन सेनापति टाइटल कौन आपंकर जो आपंकर व्यासकवि फकीरमोहन कौन व्यासकवि फकीरमोहन आप गंगाधर मेहर टाइटल कौन थी स्वभाव कौन स्वभाव कवि गंगाधर मेहर किंवा आपंकर कहते प्रकृति कवि भी कहते प्रकृति कवि गंगाधर मेहर व स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ठीक है सांग मैंने ओके तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तापर आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही दस नंबर जो सिद्धार्थ दर्पण ए मास्टरपीस ऑन एस्ट्रोनॉमी आम ओडिया आप सिद्धार्थ दर्पण को आप मास्टरपीस हिसाब से जाए एस्ट्रोनॉमी मास्टरपीस फॉलो टुडे ओडिया जो प्रिपेरेशन ऑफ पांजिका जो आम नीति रीतिनीति आप जो धारित करा क्या द्वारा आप पांजिका द्वारा आम ओडिया तो ओरिजिनली रिटन बाय कहाँ द्वारा आप सिद्धार्थ दर्पण आपको लिखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सांग मैंने रही सिद्धार्थ दर्पण कहाँ द्वारा लिखा जाता है कौ लांगुएज लिखा जाता है तो लांगुएज कहे प्रथम आप संस्कृत लिखा जाता है कौ लांगुएज सांग मैंने ऑप्शन डी संस्कृत तो याठू इंपोर्टेंट जो कहाँ द्वारा लिखा जाता है सिद्धार्थ दर्पण आप जानते हैं चंद्रशेखर पठाणी सामंत चंद्रशेखर किए सांग मैंने जो पठाणी ठीक अच्छे पठाणी सामंत चंद्रशेखर ओके चंद्रशेखर तो पठाणी सामंत चंद्रशेखर द्वारा लिखा जाता सिद्धार्थ दर्पण जहाँकि संस्कृत लिखा जाता एस्ट्रोनॉमिस्ट मैंने आपंकर मेनली यूज करती जहाँकि पांजिका को पांजिकार वर्णन था आपंकर जो रीतिनीति सब यह द्वारा आपंकर धारित कराए एगार नंबर देखिए हु एमंग द फॉलोइंग पोएट्स ऑफ
यस्टर इयर प्रोपलाइज द कनसेप्ट ऑफ द बुध इज वन ऑफ द 10 इनक्रेटर ऑफ ग्रह माने आपण को कहिबा कथा जो निर्मवितु किए कहितले जे भगवान को जो 10 अवतार रही छि ता मध्यर बुद्धक धारणा को लोकप्रिय करथिले माने बुद्धक गोटे जो जो अवतार थिला ताकु लोकप्रिय करिया पय चेष्टा करथिले तो कर आंसर कोन संग माने 11 नंबर ए देखंतु जयदेव ठीक अछि कर आंसर कोन हो जयदेव जे कि आपण गीता गोविंद भी रचना करथिले तो 11 नंबर आदि कवि देखंतु एटी आपण को सारला दास को मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल कोन अछि आदि कवि सारला दास ओके आदि कवि सारला दास जगन्नाथ दास को संग माने आपण को टाइटल कोन बहुत बार क्वेश्चन पचारे कि टाइटल रु क्वेश्चन भी आसी जाए तो अति बड़ी जगन्नाथ दास कोन संग माने अति बड़ी तांको जाना जाए तांकर टाइटल अति बड़ी जगन्नाथ दास जे कि उड़िया रे भागवत को लिखिथिले उड़िया रे भागवत को लिखिथिले ओके उड़िया रे भागवत को के लिखिथिले ना आपण को अति बड़ी जगन्नाथ दास एवं ये एवं फाइव ग्रेटेस्ट ठीक अच्छे एमंग फाइव ग्रेटेस्ट पोएट मध्य इंडिया जाए आम ओडार भी जाती ओके तो यहाँ मुझे डिस्कसन करदेवि कौ पांच कवि एट ए टाइम आपको डिस्कसन करदेवि ठीक अच्छे तो मन रखिए जगन्नाथ दास को अति बड़ी कह जाए और सी ओडिया भागवत को रचना करते सारला दास को आदि कवि सारला दास जना जाए बार नंबर देखिए इन ह्विच इयर नोबेल प्राइज विनर जो दलाई लामा वाज भिजिटेड आप दलाई लामा ओडिशा को केवे भिजिट करते जे कि नोबेल प्राइज विनर रोचे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो दलाई लामा आम को ओडिशा को आप के भिजिट करते सांग मैंने 1800 तो करे आंसर कौन हो 12 नंबर देखिए जो 12 नंबर यार करे आंसर कौन हो सांग सॉरी 1988 आप दलाई लामा भिजिट करते कौट ना आम ओडिशा को 1988 दलाई लामा को केवे आपंकर नोबेल प्राइज मिले ना जो 1989 गोटे वर्ष पर ओडिशा को आसवर गोटे वर्ष पर आप 1989 नोबेल प्राइज मिली कौ क्षेत्र ना पीस क्षेत्र में पीस प्राइज ओके तो पीस प्राइज रे आपन को नोबेल प्राइज मिलता एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दलाई लामा को ओरिजिनल नेम पचारे तो आप मन रखिए तेंजिन ग्यास्टो ग्यास्टो ठीक अच्छे ग्यास्टो ये आपरिजिनाल तिब्बत रु बिलंगस करती तिब्बत जहाँ कि आम इंडिया और चाइना बॉर्डर मझे अच्छा तिब्बत जहाँ को आपन को चाइना सब अटाक करने चेष्टा करे एवं ये इंडिया शरण भी नहीं थिले ओके तो मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिए ओरिजिनल ना आई थिंक आपण ओडिशा एग्जाम ही यहाँ आपन पढ़ी जो दलाई लामा ओरिजिनल नाम कौन तेंजिंग ग्यास्टो ओके सी एवं आपण को ओडिशा को भिजिट करते 1988 ठीक गोटे वर्ष पर आपण 1989 नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित कर इन द फील्ड ऑफ पीस ओके तो ये आपणकर जो तेंजिंग ग्यास्टो आपत नंबर दलाई लामा थे ना 14th नंबर दलाई लामा थे जमी आमर जमी शिख मानक 10th गुरु अच्छा तो से भाई आपणकर जो तिब्बतर गुरु मानक ये आपंकर 14th गुरु थे जहाँ को नोबेल प्राइज मिलता जो क्वेश्चन आसा सेमती भी आप एनसर करें ओके तेरह नंबर देखिए आउट ऑफ द 1000 मेन आप जो 11000 मेन थे कौन थे ना आजाद हिंद फौज जो जहाँ को आपंकर जेल होता कौटी ना रांगन जेल तो रांगन जेल पचारे बहुत थर कौट अच्छे ना म्यांमार आम इंडिया जो म्यांमार अच्छे तो सही आपच्छे रांगन जेल तो सही आप 1000 जो आम आजाद हिंद फौज थे जहाँ को क्या द्वारा बिल्ड कराइला ना सुभाष चंद्र बोस आपण जो सुभाष चंद्र बोस थे तो द्वारा बिल्ड कराइला एवं कहाँ को रेकमेंडेशन रे बहुत क्वेश्चन आसे कहाँ को रेकमेंडेशन जे इनविटेशन ऑफ रस बिहारी घोष जो रस बिहारी घोष थे रस बिहारी घोष ये ही आपण को उसके कि आपणकर इंडिकेशन देते जे इनविटेशन देते जे आप भाया गोटे आजाद हिंद फौज गढ़ु कि गढ़ा जाता क्या कहते ना सुभाष चंद्र बोस द्वारा एवं 1943 गढ़ा जाता आजाद हिंद फौज ओके तो यहाँ आपंकर जो 1000 आरेस्ट होते हैं ओडिया आपण के 48 ऑप्शन सी करेड हो सांग 13 नंबर 48 तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर हु इज द पोएट ऑफ श्रवण जो सर्वेसंगजननी भारत आपणकर किए अथर अच्छा तो करेक्ट आंसर कौन हो सांग 14 नंबर ए राधाकांत राय ओके तो 14 नंबर ए राधाकांत राय तो कवि बर या टाइटल कौन ना कवि बर राधाकांत राय मन रही सांग मैंने कवि बर राधाकांत राय जमी मधुसूदन राय को कौन कहते आपणकर मधुसूदन राय को जमी भक्त कवि कौन सा मैंने भक्त कवि मधुसूदन राव
तो भक्त कवि मधुसूदन राव जे कि आपणकर मोस्ट इम्पोर्टाट आपणकर जो छोट बेले आम जो समस्त आम पढ़ीचे कौन ना जो छबिल बनबुध कौन सांग मैंने छबिल छबिल बनबुध बनबुध ओके छबिल बनबुध को जो रचना करते किए मधुसूदन राव बहुत थर कन्फ्यूज हो जाती सांग मैंने तो मन रखिए मधुसूदन राव जहाँ को भक्त कवि नाम भी जाना जाए से छबिल बनबुध को आपणकर रिटर्न करते कि रईट करते ओके तो लक्ष्मीकांत महापात्र आपणकर टाइटल कौन आपणकर जमी कांत कवि लक्ष्मीकांत महाकवि कांत कवि या कौ नाम जाना जाए कांत कवि सब इम्पोर्टाट गुटा सांग मैंने मन रखु एग्जाम रिपीट हबार चानसेस रही सब हू हेज रिटर्न द प्रेयर आहे दयामय विश्वविहारी आप मैंने बहुत बार स्कूल आपंकर प्रेयर टाइम यहाँ गाई आहे दयामय विश्वविहारी तो यार आप रचयिता किए तो करे आंसर कौन हम सांग मैंने अप्सन आप पंद्रह नंबर आंसर हम जो रामकृष्ण नंद तो पंद्रह नंबर बी जहाँकि आहे दयामय विश्वविहारी मोस्ट फेमस जो प्रेयर आम गान करूँ छोट बेले तो तार आपंकर रचयिता किए थे रामकृष्ण नंद ओके षोह नंबर देखिए हु इज द फाउंडर ऑफ द उत्कल साहित्य समाज आपणकर उत्कल साहित्य समाज प्रतिष्ठाता किए तो करे आंसर कौन हम उत्कल साहित्य समाज इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो उत्कल साहित्य समाज आपणकर प्रतिष्ठाता किए हम ना ऑप्शन सी मधुसूदन राव ठीक अच्छे तो मधुसूदन राव जे कि आपणकर कविवर मधुसूदन राव जमी भक्त कवि मधुसूदन राव जे कि आपणकर उत्कल साहित्य समाज एस्टाब्लीश करते मधुसूदन राव आपणकर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति जानते हैं आपणकर मधुसूदन दास भी अच्छा तो मधुसूदन दास इम्पोर्टाट तो मधुसूदन दास को कौ नाम जना जाए ना आपणकर उत्कल गौरव उत्कल गौरव गौरव मधुसूदन दास ओके तो उत्कल गौरव मधुसूदन दास नाम आम जाचे मधुसूदन दास को एवं नेक्स्ट क्वेश्चन आप मधुसूदन दास विषय नेक्स्ट क्वेश्चन आम तो भलसे डिटेल्स देखीद तापर देखिए तपस्विनी कथा कह तपस्विनी ए ग्रेट ओडिया क्लासिक इज ऑथर्ड बाय आपणकर तपस्विनी कहाँ द्वारा लिखा जाता मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन एगेन तपस्विनी आपणकर मोस्ट इम्पोर्टाट गंगाधर मेहर ठीक अच्छे तो सतर नंबर बी देख स्वभाव कवि गंगाधर मेहर द्वारा लिखा जाता आपणकर क्लासिक पोएट्री तपस्विनी ओके अठर नंबर देखिए अमावास्या चंद्र ए हाइली पॉपुलर ओडिया नोवेल जमी अमावास्यार चंद्र जो अमावास्यार चंद्र ए जो हाइली पॉपुलर ओडिया नोवेल एटा कहाँ द्वारा लिखा जाता करेन्सर कौन हम सांग अठर नंबर गोविंद दास ऑप्शन डी गोविंद दास यहाँ करे आंसर हम गोविंद दास तो चलतु ये आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उन्नीस नंबर द फेमस बुक धर्मपद इज ऑथर्ड बाय आपणकर धर्मपद को किए लिखी तो धर्मपद को किए लिखी ना आपणकर पंडित गोपबंधु दास ओके तो पंडित गोपबंधु दास आपणकर कौन लिखी थे सांग मैंने जो धर्म पद को तो गोपबंधु दास को विषय इम्पोर्टाट मन रखु या कौन कहते ना गोटे तो कथा आपणकर उत्कल मणि तो उत्कल गौरव मधुसूदन दास उत्कल मणि कहले गोपबंधु दास कन्फ्यूज हे आपण ये हे उत्कल उत्कल मणि तो उत्कल मणि गोपबंधु दास जे कि आपणकर सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते वन विद्यालय ठीक अच्छे तो सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते किए ना उत्कलमणि गोपबंधु दास एगेन 1909 भी इम्पोर्टाट मन रख टाइम भी आपंकर इम्पोर्टाट इयर भी इम्पोर्टाट 1909 ठीक अच्छे सत्यवादी वन विद्यालय तापर आप नीलकंठ दास को कौन कहते ना पंडित नीलकंठ दास नाम से जाना जाए तो आपणकर जो सत्यवादी पंचशखा थे नर्माली गोटे पंचशखा थे और सत्यवादी भी पंचशखा थे तो पंचशखा ऑफ सत्यवादी पंचशखा जदि पचारा केवल पंचशखा ऑफ सत्यवादी जो सत्यवादी जो थे पंचशखा तो नाम कौन तो आप गोपबंधु दास जन रही आचार्य हरिहर दास भी आपणकर पंचशखार रोच दुई नंबर आपणकर आचार्य हरिहर दास आपणकर नीलकंठ दास भी थे नीलकंठ दास तीन नंबर भी नीलकंठ दास हे एवं आपणकर जो गोदावरीश मिश्र तो गोदावरीश मिश्र भी थे तो ये चारज तो आपणकर पंचशखार थे पंचशखा ऑफ सत्यवादी सत्यवादी पंचशखार ये चारज थे आगेन आउ जे कृपा सिंधु मिश्र भी मन रखु पांच नंबर किए थे कृपा सिंधु मिश्र ओके कृपा सिंधु मिश्र भी थी आपणकर पांच नंबर जी कि पंचशखा ऑफ सत्यवादी थे नॉर्मल गोटे आपणकर पंचशखा थे तो आपणकर मुझे कंप्लीट करदेवी त
तो 20 नंबर देखियो इन व्हिच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली आपन को ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए रे हमर जो असेंबली रही छी तो सेठी आपन को उड़िया लैंग्वेज टा आपन को केबे पारित करा जायतला सरकारी कार्य रे लागिया पई तो ऑप्शन ए देखंतु 1954 रे एटा आपन को पारित करा जाईथिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखियो 1954 21 नंबर देखियो हु अमंग द फॉलोइंग द एमिनेंट उड़िया राइटर पोएट बाय किल्ड बाय पॉइजन पॉइजन द्वारा कहां को मारा जायतला तो करेक्ट आंसर कोन हो संग माने ऑप्शन सी गोपाल चंद्र प्रहराज ऑप्शन सी गोपाल चंद्र प्रहराज 22 नंबर देखियो द फर्स्ट पोएम इन उड़िया कविता बोली जो कविता बोली रो आपनकर वाज ऑथर बाय आपनकर फर्स्ट पोएम हमर जो उड़िया रो कविता बोली तार ऑथर किए थिले संग माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो 22 नंबर करेक्ट आंसर कोन हो संग माने 22 नंबर बी मधुसूदन राव ठीक अछि संग माने मधुसूदन राव अगेन मधुसूदन राव ही करेक्ट आंसर हेबे तापर आपनकर जमिति कुलवृद्ध ए फेमस नोबेल ऑफ इन उड़िया अगेन इंपोर्टेंट कुलवृद्ध तो कुलवृद्ध जो फेमस नोबेल रही तो उड़िया रो कहां को द्वारा एटा रिटन हेतिला तो सुरेंद्र महांती ऑप्शन सी देखंतु सुरेंद्र महांती को द्वारा एटा लेखा जाइथिया नोबेल टी 24 नंबर देखिए मणि कांचन अर्चना आह्वाना द मास्टरपीस ऑफ उड़िया लिटरेचर वाज रिटन बाय ये सब आपनकर मणि कांचन अर्चना आह्वाना ठीक अछि तो आहन ए सब आपनकर कहां को द्वारा लेखा जाइथिला तो 24 नंबर आंसर कोन हबो तो 24 नंबर आपनकर कुंतला कुमारी सावत ठीक अछि कुंतला कुमारी सावत को द्वारा लेखा जाइथिवा बही इंपोर्टेंट कुंतला कुमारी सावत चलंतु 25 नंबर देखिया वंदे उत्कल जननी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वंदे उत्कल जननी द स्टेट सॉन्ग ऑफ उड़ीसा इज कंपोज बाय एटा आपनकर कहां को द्वारा कंपोज करा जाइथिला तो 25 नंबर कोन आंसर हो संगने आपण जानिथि लक्ष्मीकांत कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा एटा आपनकर रचना करा जाइथिला कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र एटी देखंतु आपनकर मायाधर मानसिंह अछि ताकू कोन कोन ना प्रेमिक कवि ठीक अछि प्रेमिक कवि ओके प्रेमिक कवि मायाधर मानसिंह ओके तो ये सब आपनकर टाइटल बहुत बार क्वेश्चन पचार दिए तापर 26 नंबर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द उड़ीसा साहित्य अकाडमी उड़ीसा साहित्य अकाडमी रो प्रथम आपनकर प्रेसिडेंट किए तो करेक्ट आंसर कोन हो 26 नंबर बी नीलकंठ दास मन रे संग माने नीलकंठ दास तो पंडित नीलकंठ दास आपनकर उड़ीसा साहित्य अकाडमी रो प्रथम प्रेसिडेंट थिले 27 नंबर 27 पूर्णचरित भाषाकोश पूर्णचरित पूर्णचंद्र सॉरी पूर्णचंद्र भाषाकोश द बिगेस्ट उड़िया डिक्शनरी कवर हाउ मेनी वर्ड्स आपन जो पूर्णचंद्र भाषाकोश भाषाकोश कहिवार माने हला आपन डिक्शनरी उड़िया रे आपन डिक्शनरी को आपन कोन कोन भाषाकोश तो हमर टोटल केतटा आपन वर्ड थिला तो करेंट सर कोन सांगने टोटल 184,000 आपन लक्ष 84,000 भाषा थिला कोथिरे ना सबटु बड़ उड़िया रे भाषाकोश किवा डिक्शनरी पूर्णचंद्र भाषाकोश रे वार्ड रो संख्या केते ना लक्ष 84 एवं एटा कहां को द्वारा आपण को लेखा जाय थिला ना गोपाल चंद्र प्रहराज जहां को विषय देख मारा जाय थिला मन रखिबे गोपाल चंद्र प्रहराज प्रहराज सॉरी ये आपण को अलगा से आपण को पड़ी जाथिले तो गोपाल चंद्र प्रहराज जे कि आपण को जो पूर्णचंद्र भाषाकोश रो रचना करथिले जे कि 184,000 वार्ड रो कंपाइलेशन थिला ओके पूर्ण अपन गोपाल चंद्र प्रहराज तो चलंतु 28 नंबर देखिया कादंबिनी द फेमस आंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन उड़िया लिटरेचर इज सॉर्टेड बाय अपन ऑथर बाय कादंबिनी कहां को द्वारा ऑथर हेतला तो 28 नंबर करेंट आंसर कोन हो संग माने 28 नंबर कहले आपनकर रमाकांत मिश्र ऑप्शन सी रमाकांत मिश्र करेंट आंसर हो कादंबिनी रमाकांत मिश्र चलंतु 29 नंबर देखिया हु वाज द एडिटर ऑफ द नीलखुंट आपनकर सॉरी नियाखुंट एटा आपनकर नियाखुंट तो हु इज द एडिटर ऑफ द नियाखुंट तो नियाखुंट रो आपन कर एडिटर किए तो 29 नंबर करेंट आंसर कोन हो सांगने नियाखुंट रो आपन एडिटर किए ना गुदावरीस महापात्र ऑप्शन ए गुदावरीस महापात्र जे कि आपन नीलकुंठ जो नियाखुंट नियाखुंट रो आपन एडिटर अछंती 30 नंबर देखिए द हिस्टोरिक ग्रेप्स ऑफ द सत्यवादी पंचसखा दैट इंक्लूड्स गोपबंधु दास इज फाउंड इन आपण कौटी आपण कहते जो सत्यवादी पंचसखा पांच जन जमी सांग कि पोएट्री ना नाम भी कहीदी तो आपंकर कौटी से फर्म कर सत्यवादी ना साक्षी गोपाल पाखे आप फाउंड कर मन रखुद पांच केवल पंचसखा जदि क्वेश्चन आसला जे उड़िया लिटरेचर पंच सखा किए
कौ मान आपड़िया लिटर तो पंचसखा कह जाए जदि से आप सत्यवादी वार्ड न तो सत्यवादी वार्ड न एगे जदि केवल पंचसखा कही थो तो फास्ट मन रखिए बलराम दास ओके बलराम दास तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहिबो ना अच्युतानंद दास अच्युतानंद दास एवं तापर अति बड़ी जगन्नाथ दास रहिबे तापर आपनकर यशवंत दास एवं अनंत दास अगेन अनंत दास दास ओके तो ये पांच जन सारे आप दास थिले एवं जिते आपंकर अति बड़ी जमी आप जो सत्य सत्यवादी जो पंचसखा कहली तो से तीन जन दास थिले जमी पंडित गोपबंधु दास आचार्य हरिहर दास पंडित नीलकंठ दास ये थिले एवं जो कृपा सिंधु दास भी थिले एवं गुदावरीश मिश्र थिले ठीक अच्छे सरी कृपा सिंधु मिश्र तो तीन जन दास थिले एवं दुई जन मिश्र थिले एठी आप ऑल ओवर समस्त दास ही अच्छा तो बहुत थर क्वेश्चन आस निम्नलिखित मध्य कौ आपण कौ आपर जे कि आपंकर पंचसखार अंतर्भुक्त नुहंती कि पंचसखार थिले कि आपंकर सत्यवादी पंचसखार अंतर्भुक्त अच्छा तो ये सब आपंकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनी जाऊँगी तो काइंडली आप मेमोराइज करने चेस्टा करते ठीक अच्छे सांगे तो ये थी आपंकर 30 out of 30 क्वेश्चन डिस्कसन या परे आपन को नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आमे यार पार्ट टू भी नहीं आसो ठीक अच्छे जमी आप कंप्लीट होती जनरल अवेयरनेसटा तो वीडियो गुड़ा जब सांग भल लगुच लाइक एंड शेयर करेंगे जदि आपको इनफॉर्मेटिव लगुच तो आपंग भी यहाँ आप रेकमेंड करेंगे ठीक अच्छे तो चलत आप पीओ पाई भी ए लगि जातु आपणकर हाल ही आप क्विकली आप 24 तारीख पर आप्लाई भी स्टार्ट हो डिटेल्स नोटिफिकेशन भी देखापी मिल रिसेंटली ओके तो चलो नेक्स्ट देन आप नेक्स्ट वीडियो देखा थैंक यू।